बिग बॉस 14 कविता कौशिक पर बोले शहजाद वो खुद को घर का मालिक समझ रही है। बिग बॉस 14 में अभी तक 2 इविक्शन हुए हैं, शो से पहले सारा गुरपाल फिर शहजाद देओल बाहर हो गए। शहजाद देओल को अपना इविक्शन अनफेयर लगा। शहजाद के जाने के बाद कविता नैना और शार्दुल ने एंट्री ली। अब शहजाद देओल ने शो में चल रहे ड्रामे पर बात की। वेब पोर्टल से बातचीत में शहजाद ने कहा असली खेल अब शुरू हुआ, असली ट्विस्ट एंड टर्न आने शुरू हो गए हैं, लोगों के असली रंग दिख रहे हैं जो पहले सीनियर्स की वजह से नहीं दिख रहे थे, इसलिए काश मैं घर में होता। इसके अलावा कविता कौशिक पर शहजाद ने कहा कविता खुद को घर का मालिक समझ रही है, हम उस घर में पहले दिन से थे और उसे चलाने का एक तरीका है, कोई बस आकर ऐसे ही हावी नहीं हो सकता। मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा था जिन पर वो हुकुम चला रहे थे, जिस तरह से उन्होंने घर में रूल्स बनाए और सभी को बताया कि जिस तरह से वो बात करती है वो ठीक नहीं है, वो लोग इसे क्यों सुन रहे हैं, ठीक है कि वो कैप्टन थी लेकिन अब इस तरह से बात नहीं कर सकती, अगर मैं घर में होता तो उसे जरूर कहता हेलो जस्ट स्लो डाउन। जैस्मिन से अपनी दोस्ती पर उन्होंने कहा कि मैं जैस्मिन को बहुत ही मिस करता हूँ, उसके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड था, वो मुझे भाई की तरह मानती थी, किस्मत से जैस्मिन और मेरे भाई का बर्थडे एक ही दिन आता है। जैस्मिन एक इमोशनल कनेक्ट फील करती है। शो से निकलने के बाद मैंने देखा कि वो मेरे बारे में बात कर रही। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।